देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सर्किल पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ क्या सर्किल पढ़ रहे हैं, तो जितना भी जैसे जो भी आगे हम लोग सर्किल में, ये सर्किल में यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरम सब पढ़ेंगे ना, थ्योरम पढ़ेंगे, उसी थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो थ्योरम का हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, प्रूफ पढ़ना रहता है ना। इसमें हम लोग थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। तो प्रूफ पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए सर्किल का, ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, वो कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए ना, तो थ्योरम पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट वो पाए, उसके बाद क्या कहता है, हम लोग पीछे सब आपको बता दिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, तीन आज तीसरा क्लास है सर्किल का, है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ही चल रहा है। अगला बाबू आधा सर्किल, सेमी सर्किल मतलब क्या, आधा सर्किल, आधा सर्किल। तो आधा सर्किल किसको कहोगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, एगो पूरा सर्किल को काट दो, पूरा सर्किल को 20 से काट दो इक्वल पार्ट में, तो मेरा क्या बनेगा, आधा सर्किल बनेगा और कुछ नहीं, सब शर्म आता है, मुंह छुपा कर पढ़ाने वाला चीज है ये, पूरा सर्किल हो गया सर, बिल्कुल है ना। सही है। इसको 20 से काट दें, तो 20 से काट दें बाबू, तो दो हिस्सा में बट जाएगा, दो हिस्सा में क्या होगा, बट जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला हाफ सर्किल बनेगा और नीचे वाला भी क्या बनेगा, हाफ सर्किल बनेगा, ऊपर वाला भी हाफ सर्किल बनेगा, नीचे वाला भी क्या बनेगा, 1/2 सर्किल बनेगा ना। तो इसी को क्या कहेंगे, सेमी सर्किल कहेंगे, और कुछ जो नहीं इसमें, है ना बाबू। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे एरिया पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, हाफ सर्किल किसको कहेंगे बाबू, है ना, फुल सर्किल का जो आधा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ सर्किल कहेंगे ना, हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड वो क्या, सेमी सर्किल, है ना, सेमी सर्किल। तो ये सर्किल सेमी सर्किल का ये क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, सेमी सर्किल का ये डायमीटर बनेगा, और इसका आधा करोगे तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, और इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है ना। नेक्स्ट वो कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहेंगे सर, अगर दो या तीन या चार पाँच छह सात, मतलब छह सात को सर्किल है और सारे सर्किल का सेंटर क्या एक के जगह है, जैसे यहाँ पे रेड कलर वाला सर्किल सर, इसका सेंटर मिडिल में, ब्लू कलर वाला सर्किल सर सेंटर कहाँ, मिडिल में, ग्रीन कलर वाला सर्किल सर सेंटर कहाँ, मिडिल में, तो तीनों सर्किल का सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा है ना। हाँ सर, यदि तीनों सर्किल, तीन या तीन से ज्यादा सर्किल का सेंटर एक ही जगह लाई करेगा, तो इसको हम लोग कौन सा सर्किल कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे ना, कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे एक दो तीन चारों को हो सकता है, पांचों को हो सकता है, छवों को, सातों को, आठों को, दसों को हो सकता है ना, जितना जितना सर्किल होगा, और सारे सर्किल का सेंटर है ना अगर एक ही जगह लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा सर्किल करेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल करेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल का, है ना। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी कंसेंट्रिक सर्किल होगा सारे सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। कंसेंट्रिक सर्किल जो भी बनेगा भोला, तो रेड कलर वाला का इतनी को रेडियस है, ब्लू कलर का रेडियस थोड़ा बढ़ गया और ग्रीन कलर वाला का रेडियस और बढ़ गया, तो कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। ए अनुज बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, यार सीधा से ऑन कीजिए, कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग। आओ और हम सर्किल बनाना चाहते हैं, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, जितना चार को पांच को बनाना, बनाते रहे ना। ठीक, तो जितना सारा रे बनाओगे सारे का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, सारे सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा ना। अगर सारे का रेडियस सेम हो जाएगा तो एगो सिंपल सा सर्किल बन जाएगा, सारे का रेडियस एक जगह कर दोगे तो सिंपल ये क्या रहेगा, सर्किल सारा का सारा सर्किल क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होता ना। टू और मोर सर्कल्स वो हैविंग सेम सेंटर, दो या दो से ज्यादा सर्किल जिसका सेंटर क्या रहे सर, सेम रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे। तो वही निकल फिगर ABCR क्या है ना, कंसेंट्रिक सर्किल, ए सर्किल ABC जो है, ABCR क्या, कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्कल है ना, कंसेंट्रिक सर्किल ना। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियाई, है ना, रेडियस का पूर्णल क्या होता है, रेडियाई होता है, रेडियस का पूर्णल क्या होता है, रेडियाई होता है ना। तो कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, रेडियाई क्या होगा, अलग अलग होगा ना, सारे का रेडियाई अलग अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या कहता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कुछ नहीं करता, जैसे हम लोग स्क्वायर का या रेक्टेंगल पर का परिमीटर कहते हैं ना, मान लो किसी स्क्वायर का निकालना रहता है सर, ये बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, परिमीटर कहते हैं, स्क्वायर में रेक्टेंगल में, है ना बाबू, जो कर्व शेप नहीं है, है ना, जो मैंने ये मेरा वो है ना, जो लाइन सेगमेंट्स बना हुआ सेप है, तो उसका पेरीमीटर निकालना रहता है। तो हम लोग इसके पेरीमीटर के लिए इसका जो बाउंड्री का लेंथ है, इसका जो बाउंड्री का लेंथ है, ये बाउंड्री का लेंथ मेरा क्या देता है, पेरीमीटर देता है। लेकिन बाबू तो हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं जानते हो किसके लिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ अगर क्लोज फिगर है तो उसके लिए हम लोग वर्ड कौन सा यूज करते हैं, पेरीमीटर यूज करते हैं, है ना बाबू, लाइन सेगमेंट से बना हुआ। लेकिन बाबू अगर गो सर्किल से बना हुआ कोई कर्व फिगर है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे ना, सर्कल से बना या कर्व पार्ट से बना हुआ कोई फिगर रहेगा, है ना, कर्व लाइन से, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। और लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक फिगर, क्लोज फिगर है, उसके लिए हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं। सब बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना ना, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही वर्ड होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ होता है ना। तो पेरीमीटर वर्ड कब बोलेंगे, जब लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई, जैसे स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है ना, है ना, तो ये सब का लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस नहीं यूज करेंगे, है ना। जैसे अब नेक्स्ट हो,
जैसे सेमी सर्किल रहेगा, है ना बाबू, सर्किल रहेगा, तो ये सब का अगर बाउंड्री का लेंथ निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैं सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। कौन सा वर्ड बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, है ना। तो किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो जो सर्किल का लेंथ होगा, जो सर्किल का लेंथ होगा वही सर्किल का क्या मेरा कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। मतलब क्या सर, जैसे ये मान लो क्या है, मेरा सर्किल है, ये सर्किल है ना, है ना, तो इसका कितना लेंथ है सर, यहाँ से ये टोटल जो लेंथ है यही सर्किल का क्या कहें, इसको पेरीमीटर। अल्टीमेटली बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो पेरीमीटर ही कहलाता है, लेकिन जो पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं ना, ला हम लोग कैसे, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर आता है उसके लिए पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, और गोल का लाइन से ये कर्व से बना हुआ जो फिगर आएगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं ना। तो ये सर्किल कर्व है, तो इसके लिए वर्ड हम लोग का बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, बाउंड्री का लेंथ होगा, मतलब इसको सर्किल को ओपन करो और इस तरह से नाप लो कितना, एक इतना है ना, इतना है ना, इतना लंबा, इतना लंबा है ना, इतना लंबा है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ना, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये सब एलकेजी का चीज है। मान लो रेडियस आर है तो ये क्या होगा, 2πr हो गया, तो ये टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है वही क्या देगा, सर्कमफ्रेंस देगा, है ना, यही क्या देगा, सर्कमफ्रेंस देगा, सर्कमफ्रेंस देगा ना। अब बाबू अब हम लोग पढ़ना है ना, इतना आपका बेसिक था, अब आप लोग को पढ़ना है ना, थ्योरम अब हम लोग सीखेंगे ना। इतना क्या था, बेसिक था, ये सब सारा का सारा सर्कल से रिलेटेड बेसिक था ना। हम लोग को पढ़ना मेनली क्या है, थ्योरम वगैरह पढ़ना है ना। तो पहला थ्योरम कहता है बाबू, क्या कहता है, थ्योरम पढ़ने से पहले आपको कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। देखो समझना है आप, पहला थ्योरम क्या कहता है, बोला द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ट्रायंगल का कंग्रेंस आना चाहिए। कितना टाइप का कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल होता है बाबू, बोलो अनुष्का, ऐसे था ना अनुष्का, अनुष्का ट्रायंगल का कितना टाइप्स का कांग्रेस होता है, बोले क्या नुज, वीडियो ऑन करो ना जी, सो तो जाता वीडियो बंद करके। नेक्स्ट बाबू, थ्योरम ऑफ सर्किल, हेडिंग क्या देंगे बाबू, सर्किल का थ्योरम, कितना टाइप का, चार दिन से इसको बोल रहे थे, नहीं पढ़ रहा ना, थ्योरम ऑफ सर्किल, थ्योरम नंबर एक बाबू, कितना टाइप का ट्रायंगल का कांग्रेस होता है जी, नहीं ना पढ़िए उसका, आते हैं कूटते हैं तभी सुनेंगे, ऐसे ही सब सुनने वाले बाबू, खाली ना शकल से मासूम है। अनुज वीडियो ऑन करो ना जी, बंद करके डांस करता है। देखो थ्योरम सर्कल बाबू, पहला थ्योरम क्या कहता, पहला थ्योरम क्या कहता, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला थ्योरम क्या कहता बाबू, पहला थ्योरम, लाइट कम है जी, रुको लाइट बढ़ाने दो, कोई पढ़ाते पढ़ाते अमीर होता है, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते गरीब होते हैं। पहला थ्योरम बहुत, थ्योरम नंबर क्या कहता है इसको समझना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिखो थ्योरम फर्स्ट, लिखो लिखो हेडिंग लिख लो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से आपको समझने वाला चीज होता है ना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब द परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाबू, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ कॉर्ड, टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ड्रॉन लिख दो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कॉर्ड, यहाँ पे ड्रॉन कर दो भोला, ठीक, द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाबू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाबू टू ए कॉर्ड, है ना, किसी कॉर्ड पे बाबू, कहने का मतलब क्या है, शांति से समझो, लिखो सैतान, श्रुति सैतान, सर्किल का कंग्रेंस कितना टाइप का, ट्रायंगल का कंग्रेंस बाबू,
श्रुति सर बोलो सर। नहीं जी यस सर। सर के बाबू ट्रेन हाँ कितना टाइप का कांग्रेस होता सर? एस 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 ए एस ए एस ए ए ए ए एस। अच्छा अच्छा कांग्रेस होता क्या, कांग्रेस का मतलब क्या होता? ठीक है उतना होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता सर? ऊपर हेडिंग क्या दिया है? थ्योरम ऑफ सर्किल। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लिखो समझाते हैं क्या होता मतलब। अब अरे आप तो बताए यार सीता, ये सब बौद्धन सब है। शिवानी कांग्रेस का मतलब क्या होता है बताओ शिवानी। शिवानी शिवानी बोली ना बोलोगे जी? ऐसी वानी सो गई कि चल गई जी? ये सब शैतान बीपी हाई करवा देती है। ऐसी वानी बताओ हर्षिता कांग्रेस का मतलब क्या होता है? यस सर, कांग्रेस का मतलब सर सर्कल के पैरामीटर से। अच्छा आप तो बहुत महान बनोगे। बताओ सोम्या, ऐसो में शैतान सोम्या, ऐसो में बताए बाबू कांग्रेस का मतलब क्या होता है सोम्या? सर दो कोई भी दो शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। हाँ बाबू ऐसे शैतान जब दो को फिगर बाबू एक दूसरे से ओवरलैप कर लेता है, हाँ एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेंस कहते हैं ना, कांग्रेंस कहते हैं ना। तो आपको हम क्या पढ़ाए थे? ट्रायंगल का कांग्रेंस बताए थे ना, इसको समझना आसानी से, नहीं तो बाबू फिर आगे यहाँ से समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल इसको तो अनुष्का को पहले ढूंढेंगे, इसका कांग्रेस का कंसेप्ट है ना क्लियर है, नहीं रहा ना कूटेंगे भर पर संडे पढ़ के। ठीक है दो गो ट्रायंगल बोला, मान लेते दो गो ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट कब होगा? दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट लिखना नहीं है अब, समझो यहाँ से दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट तब कब होगा जब दो ट्रायंगल का बाबू है ना ये दोनों ट्रायंगल को उठा के इसके पे रख दो, अगर एग्जैक्ट ओवर का लैप कर लेता तो कहेंगे ट्रायंगल का कांग्रेंट है। जब शांति से सुनना बात हो, जब दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है तो उसका करस्पोंडिंग साइड आपस में इक्वल, करस्पोंडिंग साइड और करस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लो ये दोनों ट्रायंगल का कांग्रेंट है तो ये वाला साइड ये वाला ए बी पी क्यू आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, और ये वाला ए बी इक्वल क्या होगा? पी आर होगा है ना। करस्पोंडिंग साइड करस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक साथ में अगर कांग्रेंस हो जाता है तो जो एंगल है ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये ऊपर वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा, और ये सी एंगल ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर दो गो फिगर एक दूसरे से एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेते हैं तो ऐसे दो फिगर को हम लोग कांग्रेंट कहते हैं, और जब कोई भी दो गो फिगर कांग्रेंट हो जाता है तो उसका जो अब साइड है क्रोस्पोंडिंग साइड है वो आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाता है। क्रोस्पोंडिंग साइड है क्रोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? इक्वल हो जाते हैं। इतना हम सब चीज कांग्रेंस का मतलब और सारा थ्योरम हम पढ़ा चुके हैं, एक एक चीज को बार बार कितना बताएंगे। तो ट्राइंगल का हम लोग कांग्रेंट कैसे चेक करते हैं? ट्राइंगल का दो ट्राइंगल कांग्रेंट कब होगा चेक करने का पहला कौन सा तरीका होता है? एस ए एस होता है, साइड एंगल साइड। यदि दो ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए, जैसे मान लो ये ट्राइंगल का ई वाला साइड ये वाला साइड ये साइड ये साइड अगर दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो हम लोग ट्राइंगल क्या है? कांग्रेंट है। तो दो साइड है एगो एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो क्या हम कहेंगे? ट्राइंगल कांग्रेंट है। जैसे कांग्रेंट सिद्ध कर लेता है कि ट्राइंगल का, तो जो रिमेनिंग साइड बच गया रिमेनिंग एंगल बच गया वो आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाता है ना। क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जो रिमेनिंग साइड है रिमेनिंग एंगल आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कांग्रेंस करना रहता है। तो एस एस क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड वन क्या होता है? एस एस क्राइटेरिया होता है। अगर किसी ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल रहे, किसी ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल रहे है ना, इक्वल है ठीक, तीनों साइड आपस में इक्वल रहे तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कि कांग्रेंट है। तो तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो रहा है तो तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तीनों का तीनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा है ना। ठीक है ना, तीनों का तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेट से कहा जाते हो संजना, 6:05 बजे से क्लास है तो 5:30 बजे आएगी शैतान। ठीक, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है ए एस ए है। यदि किसी ट्राइंगल का
दो एंगल, एंगल एंगल साइड है, दो एंगल बीच वाला एगो साइड अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रेंट होता है। तो जब कंग्रेंट होगा तो दो एंगल बीच वाला साइड इक्वल होगा तो जो रिमेनिंग साइड एंगल होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये सब सारा क्राइटेरिया याद कर लो, बोले थे। नेक्स्ट ए ए एस होता है, यदि किसी ट्रायंगल का दो एंगल और एगो साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे क्या था, दो एंगल के बीच में साइड आएगा, यहाँ दो एंगल आएगा कोई अदर एगो साइड होगा, तो अगर इक्वल हो जाता तो ट्रायंगल को कहेंगे कंग्रेंट। एगो ट्रायंगल में कई गो, छः, तीन गो साइड, तीन गो एंगल होता है। तो हमेशा देखो यहाँ तीन ही चीज आ रहा है, या तो दो साइड आ रहा है, एगो एंगल आ रहा है, चाहे तीनों साइड आ रहा है, चाहे दो एंगल एगो साइड आ रहा है, या दो एंगल एगो साइड आ रहा है, हमेशा तीन गो रहेगा। तो जब तीन गो इक्वल है तो पार्ट बाकी तीन गो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक क्राइटेरिया नेक्स्ट वाला आर एच एस है, राइट हाइपोटेनस साइड है। यदि किसी ट्रायंगल का है ना एगो एंगल राइट एंगल हो जाए और हाइपोटेनस एगो कोई साइड बराबर हो जाए तो वैसे ट्रायंगल को कंग्रेंट कहेंगे। और जैसे दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो ये सब क्राइटेरिया लगा के, है ना, ये सब क्राइटेरिया लगा के, किसी एगो क्राइटेरिया लगा के अगर सिद्ध कर देते हो, ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा। तो इसी को अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इस थ्योरम में। क्या खराब, शांति से इसको समझना, थ्योरम में कह क्या रहा है, ठीक है ना, कि कोई ट्रायंगल है या कोई सर्किल है, ठीक है, और पी क्यू मेरा क्या है, कॉर्ड है, ठीक। और क्या करा, ओ से सेंटर से पी क्यू पे परपेंडिकुलर डाल रखो। तो आपको ये प्रूफ करना है, जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पे, मान लो बाबू इस पॉइंट एल पे कट किया, तो पी एल जो लेंथ होगा और एल क्यू जो लेंथ होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना, देखो शांति समझो, थ्योरम क्या करा, कोई सर्किल दिया हुआ सर, द परपेंडिकुलर ड्रा, कोई सर्किल दिया हो सर, सर्किल का सेंटर होगा, ये तो जानबे करता है, बिना सर्किल, बिना सेंटर का सर्किल पॉसिबल नहीं है, है ना। कोई एगो कॉर्ड होगा, मान लो पी क्यू मेरा क्या है, कॉर्ड दिले, हाँ सर। आपको ये प्रूफ करना है कि सेंटर से जो कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रा करोगे, सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो यह जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का मतलब कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब ये लेंथ पी एल लेंथ और एल क्यू लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पी एल लेंथ और एल क्यू लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करना रहता है, यही प्रूफ करना रहता है। देखो कैसे करना, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है पी एल और एल क्यू लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझो जी, शिवम शिवानी और ये अम्बीर सबसे का कैसे करेंगे बाबू, बता बाबू धर्मवीर कैसे करेंगे जी सर। ये यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ओपी को और ओक्यू को मिला देंगे। कैसे करेंगे बाबू, शुभ शैतान बोलो भोला सौम्या, सूत रही है जी, अभी जागना शुरू किया तभी सोना शुरू किया, बहुत कुटेंगे शैतान सौम्या। कैसे करेंगे शुभ, हमको आपको सिद्ध करना है, ये सेंटर दे ले, परपेंडिकुलर दे ले, पी एल बराबर एल क्यू आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे शुभ, OP और OQ को ज्वाइन करेंगे पहले। हाँ देखो सर, ये शिवानी कहानी पढ़ती है जी, कहाँ गई मच्छरदानी लगा के शिवानी, ए शिवानी, शिवानी नहीं बच रही, जीवित है ये नहीं, ए शिवानी कौन हूँ सर, नहीं जीवित जी। देखो जी हम लोग क्या करेंगे, O से P ज्वाइन करो, मिला दो इसको, इसको इसको मिला दो, है ना सर, ठीक सर। अब यहाँ पे आपको दो गो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्राइंगल सर, तो ये ओ से पी ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस बन गया ना बाबू, किसी रेडियस क्या होता सर, सुन बताएं बाबू, सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होता है वो रेडियस होता है, तो ई भी रेडियस हो गया सर, और ओ क्यू भी मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओ पी भी रेडियस हो गया, ओ क्यू भी मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना, हाँ सर इतना तो समझ में आता है। तो यहाँ पे दो गो ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है सर, दो गो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन सा सर, शांति से समझना, हमको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा सा ट्रायंगल, पी एल ओ, है ना बाबू, इन ट्रायंगल बाबू या ट्रायंगल बाबू, कौन सा दो ट्रायंगल दिख रहा है, पी एल ओ और क्या बाबू, एंड बाबू ट्रायंगल कौन सा सर, ट्रायंगल कौन सा सर, यहाँ से लियो पी एल ओ, ठीक, यहाँ से लिया बाबू तो लियो पी एल ओ लो, तो यहाँ से क्यू एल ओ लेना पड़ेगा, क्यू एल ओ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना जी, पी एल ओ ये वाला ट्रायंगल सर, एगो ये वाला ट्रायंगल सर पी एल ओ, एगो ये वाला ट्रायंगल क्यू एल ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या सिद्ध करना है, कंग्रेंट सिद्ध करना। तो देखो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, पहले ये समझो,
दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, तो OP और OQ, सीधा दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, OP ये रेडियस आर हो गया, तो OP और OR दोनों ट्रायंगल का क्या सेम है सर, क्यों सर, रेडियस ऑफ सर्किल है, दोनों ट्रायंगल का OP और इस ट्रायंगल का OQ दोनों क्या है, सेम है सर, क्यों सर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, वो है ना, हम लोग इन ट्रायंगल PLOP में कितना लिखेंगे, OP बराबर कितना है, OQ है ना, ठीक हो, बराबर कितना हो जाएगा सर, आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल है, हाँ सर यहाँ तो बात समझ में आती है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक ठीक बोला है ना, ये 90 डिग्री है, ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, 90 डिग्री, OL क्या है, OL दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OL मेरा क्या है, कॉमन है, तो OL बराबर कितना हो जाएगा, OL हो जाएगा क्या है सर, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, OL क्या है, कॉमन, ठीक। नेक्स्ट बोला एंगल OLP या PLO, जो एंगल है बाबू कोई ले लो, PLO इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एक में और ट्रायंगल दो में, ये जो ट्रायंगल है PLO एंगल जो ये वाला है और QLO ये दोनों आपस में एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, PLO एंगल कितना हो जाएगा, QLO दोनों एंगल इक्वल है, कितना इक्वल है, कितना बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है सर, दोनों कितना है, 90 डिग्री है ना, तो देखो दो गो ट्रायंगल में बाबू क्या हो गया, ये वो क्या हो गया, ओ ये क्या हो गया, वो कॉमन है, OL मेरा और OP, OP मेरा क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है ना, तो रेडियस ऑफ सर्किल अल्टीमेटली ये है क्या चीज सर, हाइपोटेनस हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बाबू, ये मेरा बाबू ये OLP और OLQ राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे है सर, क्योंकि बाबू परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है यहाँ से ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बाबू, देखो क्या है मेरा ये ट्रायंगल बाबू, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, OP और OQ क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, आई परपेंडिकुलर हो गया, एगो एंगल हो गया 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो बाबू क्या हो गया, दो ट्रायंगल बाबू क्या हो गया, ये आपस में कंग्रेंट हो गया, कैसे सर, RHS से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस से क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया RHS से, है ना बाबू, चूंकि बाबू सिंस बाबू या इसलिए ट्रायंगल बाबू कितना PLO क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसका सर, QLO का, कैसे सर, RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, अगर ये दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया सर ट्रायंगल, तो जो चीज बच गया वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बाबू, जब भी किसी दो गो ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट हो जाएगा, तो जो चीज ये हो गया है ना, बाकी जो बच गया साइड चाहे एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, तो ये जो लेंथ होगा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल नंबर एक का PL और ट्रायंगल नंबर दो का LQ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए बोला, इसलिए जो PL है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, तो यही तो हमको तो सिद्ध करना था कि PL बराबर क्या होगा, इक्वल LQ होगा ना, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना, ठीक बोला, लिखो बाबू क्या दिया बाबू, दिया हुआ क्या बोला, गिवन बाबू, तो आपको बाबू कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, नहीं रहेगा ना उसका भर पेट पीटेंगे, ए शिवानी जीवित हो बाबू, शिवानी शिवानी एक कोड बाबू, कौन सा बाबू, एक कोड PQ लिखो बाबू, एक कोड PQ ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल COR एंड परपेंडिकुलर and perpendicular OL to the chord PQ, perpendicular OL, perpendicular kon babu OL drawn given perpendicular, ये दिया हो भलोक ने, एक कॉर्ड PQ बाबू ऑफ ए सर्कल COR एंड परपेंडिकुलर ON टू द कॉर्ड, दिया हुआ टू द कॉर्ड PQ, ये इतना क्या दिया, दिया हुआ हमको प्रूफ क्या करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ प्रूफ वी हैव टू प्रूफ
क्या प्रूफ करना है, पी एल बराबर कितना एल क्यू, पी एल बराबर एल क्यू, ठीक सर। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बाबू, तो इस तरह से थ्योरम को सिद्ध करने का तरीका होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन है ना बाबू ओपी एंड ओपीओ, ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू, ओपी और ओक्यू को मिला दो है ना बाबू, ये इधर से क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इन ट्राइंगल पी एल ओ क्यू एल ओ में लिखो जल्दी से शैतान, अब इसका उल्टा सर इस शिवानी है सोम्या लिख का नहीं रहे शैतान, खाली सूत्र है बाबू, कै बजे सोई है जी सोम्या? नौ सर सुत नहीं रही हूँ। कै बजे सोई हो रात को? सात दस बजे। दिक्कत क्या, सात घंटा बहुत है बाबू, हम लोग भी बाबू ग्यारह बारह बजे सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं जाते बाबू, दिन भर तो प्रेते प्रेते हालत खराब है। कहाँ गए थे शिवानी? क्या भोले सर यहीं पे थे। यहीं पे तो बोल का ही नहीं रही थी, आवाज नहीं आ रहा था सर आपका। कितना देर से हम पढ़ा रहे थे तो कुछ नहीं सुनी? नहीं ये तो आ रहा था। अच्छा पूछे वाला आवाज नहीं जा रहा था? नहीं सर ये 200 MB डाटा खत्म होता है ना तो ये नेट ऑफ हो जाता है। अरे तो मोबाइल में सेटिंग में काला लिमिट के लिए बाबू कि 200 MB खत्म होगा, आप लिमिट के लिए होगा तब ना वो कि 200 MB पे डाटा खत्म होगा तो मोबाइल ऑफ हो जाती है, डाटा ऑफ हो जाएगा सर, तो वैसे पता चलते रहता है ना। अच्छा वैसे पता चलते रहता है कि 200 MB खत्म हो खत्म हो गया, चलो जल्दी हो जी लिमिट बढ़ा दीजिए। सेटिंग कह लोगे तब ना 200 MB 100 MB, जल्दी लिखो। अभी इसका उल्टा हम लोग करेंगे, तो वन सेकंड सर डॉन आप नीचे मुँह तरफ करेगा। ट्राइंगल का आपको कांग्रेंस वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दी लिखो जी। अब इसका उल्टा थ्योरम नंबर टू बाबू, थ्योरम नंबर टू बाबू कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर वन, देखो उसको समझते हैं। सर ये किस क्लास में पढ़ना है? ये भोला आप लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, यही है बाबू मैंने आठवां के आसपास है, 7-8 का है ना, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 9 उनका सिलेबस है, सब वही साथ साथ में उसमें कहा, आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता इसलिए नया नया लगता है बाबू, आप लोग डरते रहते हो। 9 में बाबू और बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ना, ठीक है ना, हर्षिता पढ़ती नहीं है तब ना बाबू, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल शाम को पढ़ाएंगे ना, मन से पढ़ना, जिसको जिसको कांग्रेंस दिक्कत है शाम को पढ़ाएंगे मन से पढ़ना, समझे बाबू? संजना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन समझ में आने लगेगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है वो, थ्योरम नंबर टू बाबू लिखते चलना। थ्योरम नंबर टू क्या कहता है वो, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन है। थ्योरम टू क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन है, स्टेटमेंट लिखाते हैं ना। मतलब बाबू अभी आपको क्या हमने बोला कि कोई सर्किल है सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अभी उल्टा है, कोई सर्किल है सेंटर से बाबू कॉर्ड पे बाबू एक लाइन ड्रा करो और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वह जो लाइन ड्रा किया वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उल्टा बात। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, पहले थ्योरम नंबर टू क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन है।
मतलब उल्टा है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन, थ्योरम वन का उल्टा कैसे सर? देखो क्या कहता है, शांति से सुनना। मान लो कोई सर्किल दे ले है, एकदम समझ के चलो ठीक। ये सेंटर है सर्किल का, हाँ सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। देखो कोड ड्रा करते हैं, कर लीजिए सर कहीं भी। देखो कोड हो गया सर, मान लेते पी क्यू मेरा कोड हो गया सर। अभी क्या करा, इस सर्किल के सेंटर से यहाँ से एक कोड पे लाइन ड्रा करो। क्या करा कि सर्किल के सेंटर से इस कोड पे लाइन ड्रा करो, और क्या करा, जो लाइन ड्रा किया कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब क्या कर रहा, ये आपको दिया हुआ है कि पी एल बराबर क्या दिया हुआ, एल क्यू दिया हुआ, ये आपको दे दिया है ना। तो आगे आपको ये प्रूफ करना बहुत, जो ये कॉर्ड है क्या है, परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। आपको देखो प्रीवियस थ्योरम में क्या किया, प्रीवियस थ्योरम में शांति से सुना, दो एक दूसरे को उल्टा पिलर में क्या क्या, क्योंकि सर्किल है सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। कोई सर्किल है सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया, तो इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, पी एल हो गया, पी क्यू कॉर्ड हो गया, एल हो गया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, पी एल बराबर एल क्यू होगा। अभी थ्योरम नंबर दो क्या कर रहा, क्या कर, कि कोई सर्किल सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड पे ये लाइन ड्रा करो, अभी परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा, अभी कह रहा सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रा करो, और इस तरह से ओ एल लाइन ड्रा करो जो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब अभी क्या दिया हुआ कि पी एल बराबर एल क्यू अभी दे दिया, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो आपको प्रूफ करना है ये जो लाइन ड्रा किया ये 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना। यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि सेंटर से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया ठीक, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री दे ले था। तो आपको प्रूफ करना था पी एल आई एल क्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पहला नंबर थ्योरम था। दूसरा नंबर थ्योरम क्या करा कि अभी सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रा कर दिया गया, ये नहीं बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, एक लाइन ड्रा कर दिया, और यह जो लाइन ड्रा कर रहा है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये पी एल और एल क्यू आपस में क्या है, बराबर, पी एल और एल क्यू आपस में क्या है, बराबर। तो आपको प्रूफ करना है कि यह जो लाइन ड्रा किया ये इस पर 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, इसमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, और इसमें 90 डिग्री दिल था तो साइड प्रूफ करना, यही है अंतर, अब कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। यहाँ पे आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, देने के दिले क्या है कि पी एल और एल क्यू आपस में क्या होगा, बराबर। तो अगर ये 90 डिग्री प्रूफ करना बोला, कैसे करोगे मेरे लाल, शांति से समझो, समझ में आ जाएगा, लिखाई भी नहीं करेंगे तो लिखेगा कैसे, है ना, कुछ ही लिखेगा, लिखो कुछ लिख लेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, हमको बाबू इसको 90 डिग्री प्रूफ करना, तो सबसे पहले तो हम लोग वही करेंगे बाबू, ओ पी को मिलाएंगे और ओ क्यू को मिलाएंगे। अब दो गो ट्रायंगल बन गया सर, पी एल ओ और पी एल ओ और एल क्यू ओ, है ना, है ना, पी एल ओ और क्यू एल ओ, दो गो ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल जब जैसे बन गया वो, तो ये दोनों ट्राइंगल को क्या करो, कंग्रेंट सिद्ध कर दो। जैसे दो ट्राइंगल को अगर कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो तो उसका हर एक एंगल हर एक साइड क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। यही हमारे पास हथियार है, दम यही दम हथियार है, कंग्रेंट का हथियार है और कुछ नहीं। इसको इसको पे कमांड कर लिया, आधा मैथ ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो किसी भी तरीका से, पांच गो रूल है कंग्रेंट का, उसमें से कोई भी लगा कर देते हो, तो जैसे दो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना, है ना, ठीक है ना। मैंने उसके उससे जो बिलोंग्स करेगा आपस में साइड है इक्वल, क्या होगा, मैंने छह तीनों साइड है, तीनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना, यही कहता, यही कहता, ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, कैसे करोगे देखो, है ना। तो हमको पास दो गो ट्राइंगल है, शांति से समझना, अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट सिद्ध हो जाता है सर, जब कैसे सर, इन ट्राइंगल बाबू, देखो देखो कैसे करना, इन ट्राइंगल बाबू लिखाई भी नहीं करेंगे, लिखेगा क्या, ट्राइंगल पी एल ओ एंड बाबू कितना क्यू एल ओ में, है ना, हमको दिया हुआ क्या सर, क्वेश्चन में दे दिया कि पी एल एल क्यू क्या है, बराबर है, पी एल एल क्यू आपस में बराबर है, और ये ओ पी तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये जो लेंथ है ये सर्किल का क्या है, रेडियस है, ओ पी क्या है सर, सर्किल का रेडियस है, अरे सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता है, तो ई ओ पी और ओ क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों रेडियस है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गया, तो ओ पी ओ क्यू बराबर हो गया। ओ एल जो साइड है दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, और पी एल एल क्यू आपस में दिल है ये,
पी एल एल क्यू आपस में बराबर दे ले है ये, तो ट्राइंगल मेरा क्या होगा, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया ना जी, ये ट्राइंगल का ये साइड आपस में बराबर है सर, ओ एल कॉमन हो गया सर तो इक्वल हो गया, अब पी एल एल क्यू बराबर दे ले है ये सर, तो ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, तो तीनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इन ट्राइंगल वालों, शांति से सुन लो, इन ट्राइंगल पी एल ओ और क्यू एल ओ में, क्यू एल ओ में क्या है सर, ओ पी बराबर क्या है सर, ओ क्यू, कैसे सर, ये रेडियस ऑफ सर्किल है ना, सर्किल का क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक। ओ एल मेरा क्या है सर, बराबर है सर, ओ एल बराबर ओ एल सर, कैसे सर, कॉमन है ना, ठीक सर। और पी एल बराबर कितना है, क्यू एल, कैसे सर, दिया हुआ क्वेश्चन में मैं कह दिया, दिया हुआ। तो किसी सर ट्राइंगल का बाबू, दो ट्राइंगल का बाबू, इन ट्राइंगल पी एल और ट्राइंगल क्यू एल ओ में, दो ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, ट्राइंगल क्या होता है, कंग्रेंट होता है, कौन से तीनों साइड इक्वल है, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा। इसलिए ट्राइंगल पी एल ओ कंग्रेंट ट्राइंगल क्यू एल ओ क्या होगा, कंग्रेंट होगा, कैसे सर, एस 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 क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड 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 से, जैसे दो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाता है तो आपस में तीनों साइड तो बराबर है ही है सर, तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर, मतलब क्या सर, इसलिए बाबू एंगल कौन सा सर, पी एल ओ और एंगल कौन सा, क्यू एल ओ, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल बराबर होगा, पी वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा, ये वाला आपस में एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। बस हो गया, अब क्या, अब ये एंगल बराबर है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। अरे मेरे शैतान, इस पे एंगल, ये एंगल आपस में बराबर है, और इस पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा जी। ये एंगल बराबर है, ये आपस में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। चूंकि बाबू एंगल कौन सा सर, पी एल ओ प्लस एंगल कौन सा, क्यू एल ओ बराबर 180 डिग्री होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। यहाँ से क्या करो, क्यू एल बराबर क्या, पी एल ओ है, एंगल पी एल ओ, और क्यू एल ओ बराबर क्या, पी एल ओ है, तो एंगल क्या हो जाएगा, पी एल ओ बराबर कितना, 180 डिग्री। PLO कितना हो जाएगा, 2PLO हो जाएगा, 2 एंगल PLO बराबर 180 डिग्री, तो एंगल PLO बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल PLO बराबर 90 डिग्री। तो जितना PLO है उतना ही ना QLO होगा, जिन दोनों बराबर है तो, इसलिए एंगल QLO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको तो यही तो प्रूफ करना था सर, जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे कितने बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना, यही तो करना था कि क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री, है ना बाबू। देखो द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल, तो यही तो करना था आपको बाबू, कांग्रेंस वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरम 2 बाबू, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ऊपर से लिखते हैं बाबू। ए बाबू धर्मवीर, ना समझ में आ रहा जी, आ रहा है, उठाई खोज रहा। थ्योरम नंबर 2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, ठीक। स्टेटमेंट क्या कहता बाबू, द लाइन जॉइनिंग बाबू द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग बार बार ढक ढक काय करती, द लाइन ज्वाइनिंग बाबू, द लाइन ज्वाइनिंग बाबू, द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, द सेंटर ऑफ ए सर्किल The line joining the center of a circle to the midpoint
to the midpoint of a chord is perpendicular to the point of the chord. पहले ऊपर लिखना है तब नीचे लिखना है. यह पहले लिख लिया जी. Yes, खतरनाक उठाए वाला नहीं खोजते बाबा. हम आपको बोले थे समझने के लिए ना जी. थ्योरम को सीक्वेंस कैसे ऐसे सीक्वेंस होगा ना जी. हद करता है. अच्छा सब कूटेंगे अभी. द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. लिख रहा था परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. शैतान लिखने में बिजी था. बहुत पिटाई. नेक्स्ट बाबू गिवन क्या दी. क्या क्या दिया दिया हुआ. गिवन क्या क्या दिया हुआ. PQ इज ए कॉर्ड. PQ इज ए कॉर्ड दिया हुआ है. एंड L इज मिड पॉइंट. L मेरा क्या है. मिड पॉइंट है ना. Of chord PQ. सर क्लियर कर. नो सर सही दिख रहा. इसलिए बाबू मिड पॉइंट है तो PL बराबर कितना हो जाएगा. LQ हो जाएगा. ये आपको दिया हुआ. हमको प्रूफ करना है. We have to prove. O L ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का. O L परपेंडिकुलर P Q. ये वो लाइन ऐसे कर दोगे तो ये जो सिंबल होता है परपेंडिकुलर का होता है. ठीक है ना. ये जो सिंबल है ऐसे करके ये परपेंडिकुलर का होता. परपेंडिकुलर मतलब क्या. 90 डिग्री. राइट एंगल में सर. हाँ कंस्ट्रक्शन. ए संजना बोली. संजना. यस सर. लेट से कहा आते बाबू. ज्वाइन बाबू. ओपी एंड ओके. थोड़ा सा कम भी समझ में आएगा. टेंशन नहीं लेना. ठीक है ना. जब शाम को पढ़ाएंगे फिर इसको करोगे तो हो जाएगा. ज्वाइन ओपी एंड ओके. प्रूफ बाबू. इंटर एंगल पी एलो की एलो में बाबू. चलो सैतान. यहाँ से नाव. लिखो भोला. जल्दी लिखो जी. जल्दी भोला.
जल्दी बाबू जल्दी बाबू। अनुष्का ए बोले ना बोलोगी? यस सर।